Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to translate a story. Friends, आज के इस वीडियो में हम एक शानदार स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे जो हमें एक मैसेज देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस शानदार स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा स्टोरी है, एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास आया और वह महात्मा बुद्ध को गाली देने लगा। बुद्ध चुप रहे। जब वह आदमी चुप हुआ तब बुद्ध पूछे, अगर कोई मेहमान तुम्हारे घर आएगा तुम क्या करोगे? वह आदमी बोला, मैं उसे खाने के लिए खाना दूंगा। तब बुद्ध पूछे, अगर वह आदमी वह खाना एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वह खाना कहाँ जाएगा या वह खाना किधर जाएगा? वह इंसान बोला, वह खाना वापस मेरे पास आएगा। तब महात्मा बुद्ध बोले, तुमने मुझे गाली दिया लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए तुम्हारी गालियां तुम्हारे पास गई। वह इंसान शर्मिंदा हुआ और उसने फैसला किया कि अब वह किसी को गाली नहीं देगा। फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का स्टोरी जिसे हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं इसको ट्रांसलेट करूं, आपको यह बात जानना ज़रूरी है कि यह कैसे ट्रांसलेट होगा। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि मैंने हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें या इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, मैंने दो ट्रिक बनाया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर आपको वो ट्रिक नहीं पता, तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं इसको कैसे ट्रांसलेट करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इन वीडियोस को देखिए ताकि आप समझ सके कि वो क्या ट्रिक है, फिर आपको यह कंसेप्ट आसानी से समझ में आएगा। और अगर आप ये वीडियोस देख चुके हैं तो फिर आपको यह स्टोरी बड़े शानदार तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, काम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा है एक बार, हम लिखेंगे वंस। आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करें। जो वर्ड सबसे पहले लिखा है उसका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम पीछे आएंगे और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। यह मेरा पहला ट्रिक है। एक आदमी, अ मैन। मैंने जो वर्ड सबसे पहले लिखा था उसका अंग्रेजी मैंने सबसे पहले लिखा। आइए अब पीछे से वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हुए आगे की ओर आते हैं। आया, केम। मैंने केम यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि यह गुजरी हुई बात है और गुजरी हुई बात पास्ट इंडेफिनिट के मदद से ट्रांसलेट करते हैं। यह बात मैंने आपको पार्ट 7 में डिटेल से बताया कि सेकेंड फॉर्म का क्या यूज होता है या गुजरी हुई बातों को कैसे बोलना है। के पास के लिए हम लिखेंगे टू, और महात्मा बुद्ध के लिए हम लिखेंगे महात्मा बुद्ध। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास आया। Once a man came to महात्मा बुद्ध, और यानी and। हो सकता है फ्रेंड्स आप सोचे कि ये टू कैसे आया। तो फ्रेंड्स, जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां आप कहते हैं मेरे पास आओ, तो आप कहेंगे कम टू मी, उसके पास जाओ गो टू हिम, उन लोगों के पास जाओ गो टू देम। तो जब पास से नियरनेस नहीं बल्कि डायरेक्शन का पता चले तो हम टू का यूज करते हैं, और यहाँ वर्ड पास से डायरेक्शन का पता चला। जैसे मैंने कहा मेरे पास आओ यानी मेरे डायरेक्शन में आओ, इसलिए मैंने यहाँ टू का यूज किया। फ्रेंड्स, अगर आप टू को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए, आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। वह बुद्ध को गाली देने लगा। वह हम लिखेंगे ही। आइए अब पीछे से ट्रांसलेट करते हुए आगे की ओर आते हैं। लगा, लगा मींस शुरू कर दिया या प्रारंभ कर दिया, तो हम लिखेंगे स्टार्टेड। आप स्टार्टेड के जगह पर बिगेन का भी यूज कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि स्टार्टेड और बिगेन में क्या फर्क है, यानी बिगिन में शुरू करना और स्टार्ट में शुरू करना, तो हम कैसे समझे कब हमको बिगिन का यूज करना है और कब हमको स्टार्ट का यूज करना है? तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, शुरू करना या प्रारंभ करने के लिए आप दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। गाली देना,
हम लिखेंगे टू अब्यूज। फ्रेंड्स, आपको ये बात पता है कि गाली देने के लिए अब्यूज का यूज किया जाता है, बट हो सकता है आप सोचें कि ये टू का क्या यूज हुआ। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, जब दो वर्ब एक साथ आते हैं तो दूसरे वर्ब के पहले टू लिखा जाता है, और ऐसा करने से दूसरा वर्ब एक इन्फिनिटिव वर्ब हो जाता है। और आगे लिखा है बुद्ध को, हम लिखेंगे बुद्ध। हो सकता है फ्रेंड्स आप सोचें कि मैंने वर्ड को के लिए कोई भी इंग्लिश वर्ड यूज नहीं किया। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, कई बार वर्ड को और ने की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। जैसे अगर कहना हो राजू ने कहा तो आप कहेंगे राजू सेड, यहां आपको को का अंग्रेजी नहीं लिखना है। तो फ्रेंड्स, कई बार वर्ड को या ने का अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। आइए फ्रेंड्स अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है जब, हम लिखेंगे व्हेन। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं इसको ट्रांसलेट करूं, आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके सेंटेंसेस जब से शुरू हो तो दूसरे सेंटेंस के पहले तब आता है, तो इस कंडीशन में हम जब के लिए व्हेन का यूज करते हैं, लेकिन वर्ड तब के लिए सिर्फ कॉमा का यूज करते हैं, यानी वर्ड तब के लिए देन का यूज नहीं करते। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत व्हेन से है तो तब के लिए देन नहीं लिखा जाता है, बल्कि कॉमा दिया जाता है। वह आदमी चुप हुआ, वह आदमी दैट मैन, और चुप हुआ, चुप होना का अंग्रेजी होता है कीप साइलेंट, लेकिन चूंकि बात गुजर चुकी है तो हम कीप का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे कैप्ट। जब वह आदमी चुप हुआ, व्हेन दैट मैन कैप्ट साइलेंट, तब आप दीजिए कॉमा। बुद्ध पूछे, बुद्धा आस्क्ड, और ये कंप्लीट हुआ। जब वह आदमी चुप हुआ तब बुद्ध पूछे, व्हेन दैट मैन कैप्ट साइलेंट बुद्ध आस्क्ड। अगर कोई मेहमान तुम्हारे घर आए तो तुम क्या करोगे? आइए फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करते हैं। अगर इफ, फ्रेंड्स अगर आप इफ वाले सेंटेंसेस में कंफ्यूज रहते हैं तो मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है, जहां मैंने बताया है कि इफ वाले सेंटेंसेस का क्या कंसेप्ट होता है। आप इस वीडियो को देखिए फ्रेंड्स, आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। और कोई मेहमान की इंग्लिश हम एनी गेस्ट या अ गेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर एनी गेस्ट या अ गेस्ट लिख सकते हैं। कई बार अ का मीनिंग कोई होता है, जैसे अगर आपसे कोई कहे अ मैन इज कॉलिंग यू, तो इसका मतलब होता है कि कोई आदमी आपको बुला रहा है। यहाँ वर्ड अ का सेंस कोई है। अगर लिखा हो अ स्कॉलर हैज सेड, तो इसका मतलब हुआ किसी विद्वान ने कहा है या किसी महान इंसान ने कहा है। तो फ्रेंड्स, कई बार वर्ड अ का मीनिंग कोई होता है। मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है, जहां मैंने बताया है कि ए एन और द का क्या सही यूज है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख चुके होंगे और आपको ये बात पता होगा। कोई मेहमान यानी एनी गेस्ट, अब पीछे से ट्रांसलेशन करते हुए आगे की ओर आते हैं। आए, केम टू। आप सोचेंगे केम क्यों? तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स, यह स्टोरी पास्ट में है, यानी गुजरी हुई स्टोरी है, और गुजरी हुई बात हम सेकेंड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। तुम्हारे घर, योर होम या योर हाउस। अगर कोई मेहमान तुम्हारे घर आए, इफ एनी गेस्ट केम टू योर होम, तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बताऊं कि अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत अगर से है तो दूसरे वाले सेंटेंस की शुरुआत तो से होती है। वर्ड तो के लिए आपको कोई इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करना है, बट उसके लिए आपको कॉमा का यूज करना है, यानी जब आपके सेंटेंसेस की शुरुआत जब से हो तो दूसरा पार्ट शुरू होने से पहले तब आता है, और अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत अगर से है तो दूसरा पार्ट शुरू होने से पहले तो आता है। इन दोनों कंडीशन में तब या तो कि अलग से कोई इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करना है, बल्कि उनके लिए कॉमा का यूज किया जाता है। तो के लिए आप देंगे कॉमा। यहाँ लिखा हो फ्रेंड्स, तुम क्या करोगे? फ्रेंड्स यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, और मैंने पार्ट 19 में आपको अच्छा से सिखाया कि उस तरह के सेंटेंसेस जहां आते हैं कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, कौन, किसने, कैसे ट्रांसलेट करना है, वहां मैंने आपको एक खास ट्रिक बताया। आइए उस वीडियो का एक झलक देखते हैं, ताकि आपको वो ट्रिक पता हो सके।
फिर हम आगे के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या ट्रिक है। तो चलिए सीखें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है और कैसे बोलना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु, हुम, हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। इसके पहले कि मैं ट्रांसलेशन का काम शुरू करूं, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं कि आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें, यानी आपके एक हाथ में 5 उंगलियां हैं और इसी पर आप ट्रिक समझें। अगर आपके सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड है, यानी हाउ, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन है, तो कैसे ट्रांसलेट करना है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप उस वर्ड का अंग्रेजी लिखिए जो क्वेश्चन कर रहा है, यानी सवाल कर रहा है। यानी सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो पहला फिंगर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। आइए आप दूसरे फिंगर के बारे में बात करते हैं। दूसरे नंबर पर आप हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लिखेंगे और तीसरे नंबर पर आप सब्जेक्ट यानी वह नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन करता है या जो काम करता है, और चौथे नंबर पर आप लिखेंगे वर्ब यानी एक्शन वर्ड, यानी एक ऐसा शब्द जिसमें किसी काम का होना या पाना दिखलाया जाता है, और पांचवें नंबर पर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी वह नाउन या प्रोनाउन जिसके ऊपर एक्शन होता है या जिसके ऊपर काम होता है। तो आप यह ट्रिक याद रखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर एक्शन वर्ड यानी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप ये बात अपनी उंगलियों पर याद रखें तो आप इस तरह के इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस बड़े आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये 5 बातें आप याद रखें, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो फिर किसी भी टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके सेंटेंसेस में कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, कौन, कुछ भी लिखा हो, आप उसे बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे, यानी उस वर्ड का ट्रांसलेशन होगा जिसे सवाल पैदा हो रहा है, और वो है क्या। हम लिखेंगे व्हाट। और फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है और यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वुड। यहाँ गा के लिए आप वुड का यूज करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं वुड क्यों, विल क्यों नहीं, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, यह स्टोरी पास्ट में है और विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। और तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट लिखा जाता है और आपका सब्जेक्ट है तुम, तो आप लिखेंगे यू। और फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर एक्शन वर्ड लिखा जाता है और पांचवें नंबर पर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आपका एक्शन वर्ड है करना, आप लिखेंगे डू। और पांचवें नंबर पर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप क्वेश्चन मार्क देंगे, और ये कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको इस तरह के इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना हो, जहां आया हो, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, किसने, तो आप यह बात हमेशा के लिए याद रखें, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। आइए फ्रेंड्स, अब इसे ट्रांसलेट करें। वह आदमी जवाब दिया, वह आदमी, दैट मैन। और जवाब देना को अंग्रेजी में रिप्लाई कहते हैं। चूंकि यह बात गुजर चुकी है, इसलिए हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म रिप्लाइड होता है। यहाँ लिखा है कि, हम लिखेंगे दैट। आइए अब इसे ट्रांसलेट करें। मैं उसे खाना दूंगा, सबसे पहले लिखा है मैं, आप लिखेंगे आई। और लास्ट में लिखा है गा, आप लिखेंगे उठ। और यहाँ लिखा है देना, आप लिखेंगे गिव। गिव का मतलब देना। और खाना को कहते हैं फूड, और उसी के लिए हम लिखेंगे टू हिम। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जान होती है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं।
और जो ऑब्जेक्ट बेजान होते हैं उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंसेस में दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए, लिविंग और नॉन लिविंग, तो अगर आप सबसे पहले लिविंग ऑब्जेक्ट को लिखें, यानी हिम को पहले लिखें और फूड को बाद में लिखें, तो ऐसा करना अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो सबसे पहले नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं और बाद में लिविंग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आप लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले टू का यूज करेंगे, और अगर आप टू से बचना चाहते हैं तो फिर आप लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए और नॉन लिविंग को बाद में लिखें, जैसे गिव हिम फूड। अब यहाँ पर मैंने लिविंग ऑब्जेक्ट पहले लिखा, नॉन लिविंग बाद में लिखा। तो ये दोनों तरीका है, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। आप नॉन लिविंग को पहले लिखिए, अगर आप नॉन लिविंग को पहले लिखेंगे तो लिविंग बाद में लिखना होगा, और जब आप ऐसा करेंगे तो लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले टू का यूज करेंगे। और अगर आप लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को बाद में लिख सकते हैं, और इस केस में आपको टू का यूज नहीं करना है। आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करें। बुद्ध पूछे, बुद्ध आस्क्ड, अगर इफ वह खाना लेने से इनकार कर दिया तो। सबसे पहले लिखा है वह, हम लिखेंगे ई। पीछे आइए, इनकार कर दिया, हम लिखेंगे रिफ्यूज्ड। लेने से, यहां से के लिए हम लिखेंगे टू, और लेना का अंग्रेजी होता है टेक, टू टेक, और खाना को कहते हैं द फूड। अगर वह खाना लेने से इनकार कर दिया, इफ ही रिफ्यूज टू टेक द फूड। अब फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक खास बात बताऊं कि मैंने यहां लिखा फूड, लेकिन इसके पहले द का यूज नहीं किया। यहां मैंने लिखा फूड, फिर मैंने इसके पहले द का यूज किया, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, आमतौर पर खाने पीने वाली प्रोडक्ट के साथ द का यूज नहीं होता, लेकिन जब बात किसी खास प्रोडक्ट की हो, यानी जब आप खाने पीने के प्रोडक्ट पर फोकस करके कह रहे हो, तो आप उसके पहले द का यूज करेंगे। यानी जनरली खाने पीने वाले वर्ड्स के साथ द का यूज नहीं होता है, लेकिन जब आप खाने पीने वाले वर्ड्स पर फोकस करें तो आप द का यूज कर सकते हैं। यहाँ द के यूज से पता चलता है कि आप किसी स्पेशल खाने की बात कर रहे हैं या आप किसी खास खाने की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है तो, आप लिखेंगे देन। बुद्ध पूछे, बुद्ध आस्क्ड, अगर वह खाना लेने से इनकार कर दिया तो। इफ ही रिफ्यूज्ड टू टेक द फूड देन। और फ्रेंड्स, यह कंप्लीट हुआ। आइए इस स्टोरी के कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। वह खाना कहाँ जाएगा, ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, और हम इसे इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वुड, तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट है वह खाना, हम लिखेंगे दैट फूड, और चौथे नंबर पर एक्शन वर्ड लिखा जाता है, यहाँ हम लिखेंगे बी, और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, और हम देंगे क्वेश्चन मार्क। अब आप सोचेंगे यहाँ लिखा था जाना, तो मुझे गो लिखना चाहिए, मैंने बी क्यों लिखा? तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा, कई बार वर्ड बी का यूज जाने से होता है। मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। इसका एक सेंस ये भी हो सकता है, वह खाना कहाँ होगा या वह खाना किधर होगा। आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करें। वह आदमी जवाब दिया, वह आदमी दैट मैन जवाब दिया, रिप्लाइड। हो सकता है फ्रेंड्स आप सोचें कि मैं बार बार इन दो वर्ड को एक साथ जोड़कर क्यों लिख रहा, जैसे आपने भी यहाँ देखा, मैंने लिखा वह खाना दैट फूड, वह आदमी दैट मैन, तो मैंने यहाँ दो वर्ड को जोड़कर क्यों लिखा, यानी एक साथ क्यों लिखा। हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन आए, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आप उन वीडियोज को देखिए ताकि आपको रूल्स पता हो सके, तभी आप इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से समझ पाएंगे। आइए फ्रेंड्स, आगे ट्रांसलेट करते हैं। वह खाना वापस मेरे पास आएगा, वह खाना, हम लिखेंगे दैट फूड, गा हम लिखेंगे वुड, और यहाँ लिखा हुआ है आना, मतलब वापस आना, और वापस आना की अंग्रेजी होता है रिटर्न, और मेरे पास टू मी। वह खाना वापस मेरे पास आएगा, दैट फूड वुड रिटर्न टू मी, तब यानी देन। बुद्ध बोले, बुद्धा स्पोक, जो वर्ड सबसे पहले था मैंने उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आया,
चूंकि ये बात गुजर चुकी है इसलिए मैंने स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक का यूज किया। तुमने मुझे गाली दिया, तुमने यू गाली दिया, अब्यूज्ड। गाली देना का अंग्रेजी अब्यूज होता है, बट ये बात गुजर चुकी है इसलिए मैंने लिखा अब्यूज्ड। मुझे मी, तुमने मुझे गाली दिया, यू अब्यूज्ड मी। लेकिन बट, मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया, मैंने आई। जो वर्ड सबसे पहले है मैंने उसका अंग्रेजी लिखा, आइए अब पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आए। इनकार कर दिया रिफ्यूज्ड, लेने से टू टेक, उसे दैट। मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया, आई रिफ्यूज टू टेक दैट। आइए फ्रेंड्स अब इस स्टोरी को खत्म करते हैं। इसलिए सो तुम्हारी गालियां तुम्हारे पास गईं, तुम्हारी गालियां योर अब्यूजेस। आइए फ्रेंड्स अब पीछे से ट्रांसलेट करते हुए आगे की ओर चलते हैं। गई वेंट, तुम्हारे पास टू यू। इसलिए तुम्हारी गालियां तुम्हारे पास गईं, सो योर अब्यूजेस वेंट टू यू। वह आदमी शर्मिंदा हुआ, वह आदमी दैट मैन, और शर्मिंदा हुआ यानी असेम्ड, वो आदमी शर्मिंदा हुआ, दैट मैन असेम्ड। तो फ्रेंड्स यह रहा आज का स्टोरी, उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी बहुत पसंद आया होगा और आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। फ्रेंड्स मेरे वीडियोज आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।